सो हेलो गाइस, जैसे हमने कल LSE 10 पढ़े थे तो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था, हेमी कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था बेसिकली, और उसके एनिलिड्स के साथ तो जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो पढ़ी थी, और पढ़ा था कि कैसे इनवर्टिब्रेट से डिफरेंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं एग्नेथोफिशेस और एम्फीबिया के बारे में। बेसिकली इस वाले यूनिट से क्वेश्चन स्पाइसेस से ही रिलेटेड पूछा जाता है काफ़ी बार, लेकिन एग्नेथा से हो सकता है कि लिम्फ्रेज वगैरह पूछ ले, लेकिन ऐसा से पूछा नहीं जाता। लेकिन पाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर हर साल एक क्वेश्चन ज़रूरी होता है इधर इधर से, चाहे वो 1 नंबर में हो चाहे वो 5 से 15 नंबर में हो, कितने नंबर में पूछ सकते हैं। सो बेसिकली एग्नेथा के बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत करेक्टर्स जो होते हैं वो जान लेते हैं। ये जो होते हैं सबसे प्रीमिटिव होते हैं सभी क्रैनियट्स में से, एग्नेथा, और जो है इनका ये जोलस फिशेज होते हैं ऑब्वियसली कि इनमें जोल्स अब्सेंट होते हैं। नोटोकोर जो होता है इनमें थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहता है, और जो एग्जोस्केलेटन है वो एब्सेंट होता है इनमें, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते। जो बेसिकली लिम्फ्रेज, वैसे कभी एक दो बार, एक बार शायद पूछा गया है, एक बार लिम्फ्रेज देख लेना। तो पाइसिस की बात करें, जो ये है गैंथोस्टोमेटा के अंडर आता है, गैंथोस्टोमेटा की सुपर क्लास होती है पाइसिस। बेसिकली पाइसिस फिर फर्दर डिवाइडेड होता है क्लासेस में, 3 क्लासेस में। क्लास 1 जो होती है प्लैकोडर्मी होती है, क्लास 2 जो होती है कोंडिकथीसिस होती है, एंड क्लास 3 जो होती है ओस्टिकथीसिस होती है। प्लैकोडर्मी जो फर्स्ट क्लास है वो एक्सटिंक्ट फॉर्म है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ते। कोंडिकथीसिस और ओस्टिकथीसिस हम दो पढ़ते हैं। जो कोंडिकथीसिस होती है उनको बेसिकली कार्टिलेजिनस फिश भी बोला जाता है, जो ये शार्क्स और रेज आते हैं इनके अंदर। ओस्टिकथीसिस को बोनी फिश भी बोला जाता है। तो इनमें दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में डिफरेंस बताइए क्या होता है, या फिर इसमें ये भी पूछ सकते हैं कोंडिकथीसिस में और ओस्टिकथीसिस में क्या डिफरेंस होता है, या फिर बेसिकली अलग अलग भी पूछ लेते हैं। तो बेसिकली तो कोंडिकथीसिस जो होती है वो सब, वो भी फर्दर डिवाइडेड होती है सब क्लासेज में, इलास्मोब्रेकियाई और होलोसेफली में। जो इलास्मोब्रेकियाई जो होती है वो शार्क्स और रेज आती है इसके अंदर, और होलोसेफली के अंदर रेड फिशेज, रैबिट फिश और एलिफेंट फिशेज आते हैं। ऐसे ओस्टिकथीसिस जो है 3 सब क्लास में डिवाइड होता है। कैंथोडाई जो कि फोशल फॉर्म होती है, एक्टिनोटर्गी जो है रे फिन फिशेज वगैरह आती है इसमें, और सार्कोप्टर्गी में लंग फिशेज वगैरह। तो बात करें हम क्लास फर्स्ट की जो कि कॉन्टेक्सिस है, इसमें बताया था कि जैसे ये दो उसमें डिवाइड होते हैं, इलास्मोब्रैंकियस और होलोसेफलियंस में। तो इनकी रेंज जो है, जो इलास्मोब्रैंकियस होते हैं वो ऑलमोस्ट हर रीजन में पाए जाते हैं सी के, और इनकी रेंज बहुत वेरी करती है साइज़ में, बहुत स्मॉल से लेके काफ़ी ह्यूज जैसे मोन्स्टर होते हैं वैसे भी इनमें पाई जाती है। जो ये इलास्मोब्रैंकियस होती है वो कार्निवोरस होती है, उसमें स्केट्स और रेज मोस्टली मिलते हैं, और ये जो है इनवर्टिब्रेट्स जैसे मोलस्कास वगैरह जो अंडर द सी होते हैं उनमें, उन पे ही फीड करते हैं। इनका जो होता है ये जो हिट्रोसर्कल टाइप होती है, हिट्रोसर्कल मीन्स कि जैसे ये हिट्रोसर्कल, ये जो इसमें जो टेल वाला पार्ट है इसमें एक लॉन्ग होता है और एक बहुत शॉर्ट होता है। तो लॉन्ग वाले इसमें जो ये हिट्रोसर्कल टाइप होता है, मतलब कि एक जो लोब होता है वो लंबा होता है, एक छोटा होता है, तो जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम टर्न अप करती है लॉन्ग वाले पार्ट में। और इसमें जो होता है पेक्टोरल फिन्स वगैरह प्रेजेंट होती है, और जो मेल्स में जो है पेल्विक फिन्स नहीं होती, उसमें मॉडिफाइड होके क्लैस्पोस बना देते हैं जो कि कोपलेशन के टाइम में उनके हेल्प करते हैं। इलास्मोब्रैंकियस जो होते हैं उनका माउथ जो है वेंट्रल होता है, बेसिकली वेंट्रल और एंटीरियर का मतलब सेम होता है। जो आगे वाला हिस्सा होता है बॉडी का उसको वेंट्रल बोलते हैं, तो एंटीरियर बोलते हैं, और जो बैक साइड द बॉडी होता है उसको पोस्टीरियर और डोर्सल बोलते हैं। वेल गार्डेड जॉ होते हैं इनमें, जॉ काफ़ी मजबूत होते हैं। स्किन जो है कवर्ड होती है प्लेकोइड और म्यूकस ग्लैंड से, और कार्टिलेजन जो है कार्टिलेज का बना होता है, एंडोस्केल्टन है क्योंकि तभी इसको कार्टिलेजनस बोलते हैं ऑब्वियसली। रे नोटोकोड नोटोको प्रेजेंट होती है उनमें, और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कंप्लीट होता है और सेपरेट होता है। अपेंडिकुलर स्केल्टन की बात करी जाए तो बताया था पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल जो है प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं अपर जो और जो लोअर जो जो होते हैं इनको प्लेकोइड स्केल की मॉडिफिकेशन से बने होते हैं, और इनमें एक रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि ओस्मो रेगुलेशन में के फंक्शन को काफ़ी
उस्मो रेगुलेशन के फंक्शन से अटैच होती है, उस्मो रेगुलेशन में बेसिकली हेल्प करती है। और जो अगर सर्कुलेशन की बात की जाए तो हार्ट जो इनका है टू चैम्बर्ड होता है, बेसिकली एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और साइनस वेनिस्कस भी प्रेजेंट होता है बिहाइंड द ओरिकल एंड वेंट्रिकल। तो ये इधर सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। इसमें जो किडनी होती है मेसोनेफ्रिक होती है, और जो वोल्फियन डक्ट होती है इसमें वो क्लोइका में ओपन होती है, जो कि आ, 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 ये भी रिप्रोडक्शन के टाइम काफ़ी हेल्प करती है। ब्रेन जो होता है इनका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। और इनकी फिर फर्दर मॉडिफिकेशन होती है 5 पार्ट में, जो ये होते हैं इनमें 10 क्रेनियल नर्व्स होते हैं और 1 स्पाइनल नर्व होती है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो शार्क के जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज में होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। मैच्योर स्पर्म्स फ्रॉम द पेयर टेस्टिस पास थ्रू द वोल्फियन, हाँ वही, जो स्पर्म्स जो मैच्योर हो जाते हैं वो वोल्फियन डक्ट के थ्रू वोल्फियन डक्ट के थ्रू क्लोइका से ओपन होके फीमेल ओविडक्ट तक पहुँचने में हेल्प करते हैं वोल्फियन डक्ट। इसमें और जैसे मेल्स में वोल्फियन डक्ट होती है वैसे फीमेल में मुलेरियन डक्ट होती है, जो कि एग्स को कैरी करते हैं और रिलीज करते हैं ओवरी में। और यूट्रस जो होता है वो मॉडिफाइड होता है और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। इनमें प्लेसेंटा जो बेसिकली एबसेंट होता है, और ये जो वीवीपैर होते हैं मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, एगलिंग नहीं है। हाँ, बात करें अगर लास्ट में ब्रेक किया है कि बेसिकली हमने जो कॉन्डक्ट थीसिस में जो पॉइंट्स पढ़े वो लास्ट में ब्रेक किया इसी रिलेटेड पढ़े, क्योंकि वो इसी की सब क्लास है। और स्लाची जो होता है इसकी ऑर्डर जो थर्ड है वो भी इन तीनों के करेक्टर्स सेम होते हैं मोस्टली, तो इसलिए हम तीनों के करेक्टर्स मतलब तीनों के अलग अलग ना करके अगर एक में ही याद करें तो चल जाते काम। जो सब क्लास लास्ट में ब्रेक किया होती है वो 3 पार्ट्स में, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड होती है फर्दर, क्लैडोस्लैकी, प्लूरा कैंथोडाई एंड स्लैची। जो फर्स्ट दो ऑर्डर होते हैं क्लैडोस्लैची एंड प्लूरा कैंथोडाई, ये दोनों एक्सटिंक्ट फॉर्म होते हैं। जो स्लैची होता है उसमें शार्क्स वगैरह आती है, रेस किरची होती है उसी में आता है। बेसिकली यहाँ पे बताया है कि मतलब पहले टाइम पे कैसे थी और कैसे इवोल्व होके आज के टाइम में कैसे होती हैं शार्क, तो वही सब बताया गया, देख लेना एक बार ये। हाँ, इसमें से ये काफ़ी पूछा जाता है कि साइंटिफिक नेम वगैरह की किसका क्या होता है रोल। जैसे कार्कोडन का जो होता है ये सबसे ज़्यादा ह्यूमंस पे अटैक करती है, और मैन ईटिंग शार्क इन्हीं बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा जो है यही बेसिकली अटैक करती है ह्यूमंस वगैरह पे। और जैसे शोफिस है, शोफिस को क्या बोलते हैं ये सब देख लेना एक बार। जैसे इलेक्ट्रिक रेज के फंक्शन काफ़ी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक रेज का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली पहले तो ये पता होना चाहिए किस में होता है, ये टोरपीडो में होता है और हेल्प करता है प्रीडेटर जो होते हैं उनको दूर रखने में, वाटर में जो करंट प्रोड्यूस करके। होलोसेफली, तो होलोसेफली में ये फर्दर 3 क्लासेस बताया था। इसमें जो है रेड फिश होती हैं, रैबिट फिश होते हैं और एलिफेंट फिशेज होते हैं। बेसिकली रेड फिश और रैबिट फिश को का एक ही नाम साइंटिफिक नेम है काइमेरिया, को ये दोनों नाम से बुलाया जाता है। काइमेरिया बेसिकली वो भी कनेक्टिंग लिंक भी होती है दोनों कार्टिलेजिनस और उसकी बोनी फिश की। हाँ, इसमें भी वही इम्पोर्टेंट है कि किसको क्या बुलाया जाता है। जैसे इसमें है ये काइमेरिया, क्या पूछ लेंगे कि काइमेरिया को और किस नाम से बुलाया जाता है, बताया रेड फिश और रैबिट फिश के नाम से बुलाते हैं इसको। हाँ, जैसे ये है मैच द फॉलोइंग में, जैसे पूछा गया है व्हेल शार्क किसको कहते हैं, जैसे रिंडोन को व्हेल शार्क भी कहते हैं, शो फिश को जैसे पैराटाइस भी बोलते हैं, स्टिंग रेज को ट्राइगोन बोलते हैं, वैसे पूछ सकते हैं। हाँ, ओस्टिक थीसिस की अगर बात करें तो ये बोनी स्केल्टन होता है, इसे बोनी स्केल्टन के नाम भी से भी ओस्टिक थीसिस को जाना जाता है। ये जो बोनी फिश होती है ये मोस्ट सक्सेसफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो होता है
ये मास्टरिंग होती है इनकी, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में पाया जाती है ये, बिल्कुल स्मॉल स्ट्रीम से लेके ओशन तक के डेप्थ में ये मिलते हैं। इनमें वेल डेवलप्ड आइज आइज या केमिकल रिसेप्टर्स जो होते हैं इनमें भी कंप्लीट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए। और इनमें से कुछ जो है अनफेवरेबल कंडीशन में भी रहती हैं, और जो ऐसी कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो मतलब अगर अर्थ पे लाओ थोड़े टाइम के लिए वो ब्रीथ कर सकते हैं, ऐसी स्पीशीज इसके अंदर आती हैं, हॉस्टल स्पीशीज के अंदर। जो मेजोरिटी होती है फिश की वो कार्निवोर्स होती है, लेकिन ये जो है प्लैंकटन वगैरह या फिर सीवीड्स जो होते हैं ओशन में उन पे भी सरवाइव कर सकती हैं। जो कॉन्डिक थीसिस थी वो सिर्फ कार्निवोर्स ही थी, लेकिन ये जो है प्लैंकटन वगैरह भी खा लेते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इवॉल्व होता है। ये इनकी मतलब अपनी सोशल लैंग्वेज होती है, मतलब कैसे रिकोगनाइज करना है इनको अपने ग्रुप के साथ वैसा। हाँ तो बस ये इतना ही था इसमें, इधर इसकी क्लासेस वगैरह बताई गई है, वैसे इसकी क्लासेस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी वही इम्पोर्टेंट है कि किस फिश को क्या बोलते हैं, जैसे लैटिमेरिया जो होती है वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे मच्छर, मतलब इसको अगर ऐसे पॉन्ड में छोड़ा जाए जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो तो ये वहाँ पे मच्छर बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मतलब लिविंग फॉसिल्स भी होते हैं ये काइमेरिया एक तरीके से, और ओल्डेस्ट लिविंग फिश भी बोलते हैं इसको। ऐसे जैसे पता याद कर लेना ये लंग फिश को क्या बोलते हैं, या फिर जैसे हिप्पोकैम्पस होता है सी हॉर्स को हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं, वैसे ही जैसे एक्जोसीटस होता है उसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। तो ये सब याद करने पड़ेंगे, ये सब याद कर लेना, क्योंकि ये बेसिकली ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, एम्फीबिया से तो कुछ पूछा नहीं जाता। तो थैंक यू।